नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और एमपी की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल चली रही थी कि इसी बीच पंजाब से भी एक ऐसी ही खबर आ रही है। पंजाब में सियासी हलचल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और श्रोमणी अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल को SIT ने समन भेजा है। मामला 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और इसके विरोध में बैठे प्रदर्शनकारियों पे फायरिंग का है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की जांच कर रही ADGP LK यादव की अगुवाई वाली SIT ने बादल को 16 जून को सुबह 10:30 बजे पूछताछ के लिए तलब कर लिया है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी रिटायर्ड IG कुंवर विजय प्रताप की अगुवाई में SIT पिछले साल 16 नवंबर को प्रकाश सिंह बादल को पूछताछ के लिए बुला चुकी है। अब नई टीम ने फिर से उन्हें समन भेजा है। इसमें ये कहा गया है कि उन्हें मोहाली के फेज 8 में PSPCL के गेस्ट हाउस में पेश होना है। और अब आप पूरा मामला भी जानना चाहेंगे कि क्या बात है, क्यों उनको बुलाया जा रहा है, क्या वजह है, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये मामला 1 जून 2015 का है। इस दिन बरगाड़ी में करीब 5 किलोमीटर दूर का बुर्ज जवाहर सिंह वाला के गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूप चोरी हो गए थे। 3 महीने के बाद 25 सितंबर 2015 को गुरुद्वारा साहिब के पास सफेद कागज पर पंजाबी में हाथ से लिखे हुए 2 पोस्टर मिले थे, जिस पर काफी अभद्र भाषा का इन स्वरूपों के बारे में लिखा हुआ था। और इसमें इसकी चोरी में डेरावाल का हाथ होने का लिख करके सिख संगठनों को खुला चैलेंज भी किया गया था। इस घटना के करीब 17 दिनों के बाद 12 अक्टूबर को सुबह मत्था टेकने गांव गए लोगों को आसपास की नालियों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूप के पन्ने मिले। और उसके बाद फिर काफी बवाल होना शुरू हुआ। 12 अक्टूबर को मामला चर्चा में आया तो पुलिस कार्रवाई से पहले ही बड़ी संख्या में सिख संगठनों के नेताओं ने पहले बरगाड़ी और फिर कोट कपूरा के मेन चौक पर आकर के प्रदर्शन शुरू कर दिया। और कुछ ही घंटों में हजारों सिख संगत का जमावड़ा कोट कपूरा के मेन चौक पे लग गया। इसी के साथ पंजाब के कई हिस्सों में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया। और घटना के 2 दिन के बाद 14 अक्टूबर को पुलिस ने पहले कोट कपूरा के मेन चौक और बाद में कोट कपूरा के बठिंडा रोड पर गाँव बहबल कला में प्रदर्शन कर रही संगत पे फायरिंग कर दी। बहबल कला में फायरिंग से गांव सरावा वासी गुरजीत सिंह और बहबल खुर्द वासी कृष्ण भगवान सिंह की मौत हो गई, जबकि दो दर्जन प्रदर्शनकारियों और करीब 1 दर्जन पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए थे। और इसके बाद फिर डेरा प्रेमियों की धरपकड़ भी हुई। चोरी की उच्च स्तरीय जांच के लिए उस समय अकाली और भाजपा सरकार ने 16 अक्टूबर 2015 को हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जोरा सिंह के अगुवाई में एक न्यायिक आयोग का गठन भी किया। सिख संगठन सिख फॉर ह्यूमन राइट्स ने सरकार द्वारा गठित आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए और 27 दिसंबर 2015 को अपने स्तर पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मार्कंडे कार्जू के अगुवाई में एक अन्य जांच आयोग का गठन कर दिया। जस्टिस कार्जू ने अपनी रिपोर्ट फरवरी 2016 में दे दी थी, जिसे तत्कालीन सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। जस्टिस जोरा सिंह ने अपनी रिपोर्ट 30 जून 2016 को सरकार को दी, लेकिन अकाली दल ने इसे भी लेने से मना कर दिया। और 16 मार्च 2017 को पंजाब में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद फिर से जांच शुरू होती है और सरकार ने 14 मार्च 2017 वो जस्टिस रंजीत सिंह के अगुवाई में एक जांच आयोग का गठन कर फिर से जांच शुरू कर दी। करीब 1 साल से ज्यादा जांच चलती है और जस्टिस रंजीत सिंह आयोग ने 30 जून 2018 को अपनी रिपोर्ट सरकार को दी, जिसमें बेअदबी के मामलों में डेरा की भूमिका पे संदेह जताया गया। और पुलिस और CBI की जांच का परिणाम अब भी काफी उहापोह में है। 1 जून 2018 को सिख संगठनों ने बरगाड़ी की अनाज मंडी में मोर्चा लगा दिया। इस मोर्चा के शुरू होते ही डेरा प्रेमियों की धरपकड़ भी शुरू हो गई। तो ये सारा मामला था। अब जो प्रकाश सिंह बादल को पेश होना है 16 जून को,
तो आप मेरे चैनल पे मेरे साथ बने रहिए, मैं इससे जुड़े हुए आपको सारे अपडेट देती रहूंगी। अभी इसमें ये समझ लीजिए कि 2 दिन और बाकी हैं, उनको वहाँ पेश होना है, वो वहाँ आते हैं या नहीं आते हैं, ये सारी बातें आपसे मैं इसी चैनल पे बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।